हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू सरकन ड्रोन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग परसेंटेज के, प्रतिशत के एक आध न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आए दिन एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, और इसके हर टाइप को धीरे धीरे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पर कोई असर ना पड़े। चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि हो गई है, शुगर का जो रेट है 20% बढ़ गया है, तो कमी को कितना कम कर दिया जाए, कितने परसेंट से, या हमारा बजट पर कोई असर ना पड़े। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया में 1 kg हम चीनी खरीदते थे। माना 100 रुपया में 1 kg चीनी मिलता था, अब 20% की वृद्धि हो गई है। तो 20% की वृद्धि होने से क्या हो गया कि बढ़ा हुआ जो मूल्य हो जाएगा वो हम 100 का क्या करेंगे, क्योंकि 100 में हम 1 kg खरीदते थे, इसका 100 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 रुपीज। इसका मतलब है कि नया जो न्यू जो रेट हो गया हमारे पास 120 रुपीज हो गया। जहां हम पहले 100 रुपये में 1 kg चीनी खरीदते थे, अब हमको कितना देना पड़ रहा है, 120 रुपया। किसके लिए, 1 kg के लिए। लेकिन हमको खरीदना कितना का है, 100 रुपये का ही खरीदना है, तो स्वाभाविक है कि हमको चीनी कम लेना पड़ेगा। तो वही लिखे हैं, इसको चुकी बोलते हैं, 3 डॉट इस तरह से देते हैं, इसको चुकी बोलते हैं। तो चुकी 120 रुपया पर 20 रुपया बढ़ गया है। 120 रुपया कितना बढ़ गया भाई, 20 रुपया बढ़ गया ना, इसीलिए 1 को कितना बढ़ेगा, तो कम बढ़ेगा, तो 20/120 हो गया। हमको किस क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत की कमी निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसीलिए 100 पर फिर कितना बढ़ेगा, तो 20/120 × 100 करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारा आ जाता है 50/3%। और 50/3% को जब हम डिवाइड करेंगे तो 16/2/3% आता है, यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब है कि हमको, हम जो पहले चीनी हम 1 kg खरीदते थे, अब इसमें क्या कर देंगे, 50/3% की कमी करेंगे, इतना परसेंट चीनी हम इसका कम खा देंगे, ठीक है ना। तो यह हमारा लॉन्ग मेथड है, यह हमारा क्या है, लॉन्ग मेथड है, जो हमको स्कूल में जरूरी है। कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको क्या करें, बनाए ऐसे, ठीक है ना। तो आइए हम इसको शॉर्ट में देखते हैं कैसे बनेगा। यह आपकी स्कूल के लिए अच्छा है, क्योंकि स्कूल में बनाना है, समझना है, तो समझने के लिए भी जरूरी है। शॉर्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको लॉन्ग समझ में आता हो, ठीक है ना। इसीलिए जो है लॉन्ग समझना भी जरूरी है, तभी आपको शॉर्ट में समझ में आएगा, ठीक है ना, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इसका, ये फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन है, कहता है अगर इसका डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो अभीष्ट उत्तर मतलब जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या करना है, परसेंटेज पी बाई 100 ± % P × 100। समझिए, यही हमारा वो क्या है, फॉर्मूला है। अभीष्ट आंसर जो हमारा परसेंटेज पी बाई, समझा रहे क्या होता है, 100 ± % P × 100। परसेंटेज पी का मतलब हो गया कितना परसेंट बढ़ रहा है। देखिए, अगर यहाँ प्लस माइनस का मतलब हो गया जब वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज करे, जब वृद्धि हो तो जोड़ते हैं, जब कमी हो तो घटाते हैं, ठीक है ना। अब समझिए इसको हम बनाते कैसे हैं। तो कहता है कि परसेंटेज पी मतलब यहां क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कितना परसेंट का, 20% का, ठीक है ना। तो हम यहां क्या कर देंगे, 20/100 हो गया, 100
अब देखिए यहाँ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो यहाँ का क्या लिख रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि हो तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं, तो 100 में इस परसेंट पी को जोड़ेंगे, तो परसेंट पी हमारा कितना है, तो 20 है, इंटू 100 है तो 100 रह गए। अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई करना है, 20/120 × 100, एक जीरो से जीरो कट गया, 2 से 6, 2 से 3, ये 50, 50/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। परसेंटेज पी का मतलब है कि जितना वृद्धि हो या कमी हो उसको ऊपर लिखेंगे, अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में उसको ऐड करेंगे, कमी होता तो 100 में क्या करते उसको माइनस करते, ये 100 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ये शॉर्टकट तरीका है, उसको बना के जो देखें वो लॉन्ग कट तरीका है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आएगा। एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको तो ये परसेंटेज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एग्जाम में पूछता भी है इससे क्वेश्चन, बहुत तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते भी हैं, बहुत तरह के टाइप्स बनते हैं इसके, ठीक है, इसलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहता है कि तेल के दाम में, तेल के दाम में जो है, तेल के दाम में 10% की कमी हो जाती है, तेल के दाम में क्या हो गया, 10% की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है जब दाम तेल का घटेगा तो इसका खपत क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तेल के दाम में 10% की कमी हो जाती है तो खपत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, खपत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो यहाँ पहले सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, तो हम इसी पर डालते हैं डायरेक्ट। परसेंटेज पी का मतलब हो गया कि कितना परसेंट बढ़ रहा है घट रहा है, तो 10 है 10/100। अब इस 100 में इसको माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, आपको बताएं कि यहां देखिएगा सबसे पहले क्या दे रहा है, 10% की कमी दे रहा है, तो जब कमी हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो -10 × 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, 10/90 × 100 सिंप्लीफाई कीजिएगा, 100/9% = हो जाएगा 11/9%, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन था कि तेल के दाम में 10% की कमी हो जाती है तो कोई आदमी अपने खपत में कितना परसेंट का वृद्धि कर दे ताकि उसका बजट पर वो सेम उसी बजट में अपना काम चला ले। तो देखिए 10% की कमी हो रही है तो परसेंटेज पी का मतलब जितना परसेंट कम या ज्यादा होता होगा, 10 में 10 लिख दी, 100 नीचे है तो 100 लिखिए, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, कमी है तो कमी होने पर घटाते हैं, देखो माइनस कर दिए, × 100 में तो सिंप्लीफाई किए, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे गेहूं का दाम ये 40% बढ़ जाता है, गेहूं का दाम क्या हो गया 40% बढ़ जाता है, तो कहता है कि आदमी अपने पुराने पैसा में पुराने दाम पर कितना खरीद पाएगा। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, गेहूं का दाम 40% बढ़ जाता है, यहां मान लेते कि पहले हम 100 रुपया में हम 1 केजी जो है 100 रुपया में हम 1 केजी पहले गेहूं लेते थे, अब कहते हैं 40% दाम बढ़ गया, इसका मतलब 140 रुपया देना पड़ेगा 1 केजी के लिए, ठीक है ना। तो हमको खर्चा करना है 100 रुपया ही, तो उसमें कितना गेहूं खरीद पाएंगे, स्वाभाविक है पहले जब हम 1 केजी खरीदते तो हम कम कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इसी को इस फॉर्मूला पर कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, कहता है कि गेहूं के दाम में 40% की वृद्धि होती है, क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो परसेंटेज पी फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज पी बाय 100 प्लस माइनस परसेंटेज पी इंटू 100, यही है ना आंसर आपका। चलिए तो कहता है परसेंटेज पी तो यहां 40 हो जाएगा, बाय 100 प्लस, प्लस करेंगे क्योंकि वृद्धि है, वृद्धि होने पर प्लस करते हैं, इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे इसी को, 40/140 आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, इस भी लिखने की जरूरत
सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ गया आपका 200/7, इतना परसेंट हुआ। आप इसी को चाहिए तो आप फ्रैक्शन में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब हम किसी दाम में इंक्रीज होता हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे उसको हम बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ए से बी 25% अधिक है, ए से बी 25% अधिक हो तो ए से बी जो है 25% अधिक है तो बी से ए कितना परसेंट कम होगा, क्वेश्चन है। ए से बी 25% अधिक हो तो बी से ए कितना परसेंट कम होगा, अच्छा से लिखते हैं। क्वेश्चन है ए से बी 25% अधिक है तो ए से बी 25% अधिक है तो बी ए से बी 25% अधिक है तो ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, इसको आप बना के बताइएगा, ठीक है। और आप हमको कमेंट कर सकते हैं मैसेज आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखे हैं कि जब किसी के रेट में परसेंटेज में इंक्रीजमेंट होता है तो हम उसके खर्चा में कितना डिक्रीज करेंगे, उसको शॉर्ट वे में कैसे बनाएंगे, लॉन्ग वे में कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।